अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांभो। अस्तग़फिरुल्लाह, बेहुदा वाहियात, जहन्नमी। और मैं बार बार ये बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है, देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। लेकिन एक सेकंड, लोग ये बहुत पूछते हैं कि हमारा कोई फिरका नहीं है, हम सिर्फ इस्लाम को फॉलो करते हैं। जली ना, तेरी भी जली। ये एक ऐसी बात है जो कहने में बड़ी खुशनुमा है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये बिल्कुल उन लोगों का काम है जिन्होंने इस्लाम पे चलना ही नहीं होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? या या या। अमली जिंदगी में जिसने नहीं चलना ना, वो ये बात कर रहा होता है। जो भी चलता है ना, उसको अपने आप को एक खड्डे लाइन लगाना पड़ता है। वजह उसकी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। कितने फिरकों में डिवाइड होगी? 73। उनमें एक सही होगा, बाकी 72 क्या होंगे? जहन्नमी होंगे। तो वो एक जो सही होगा वो भी क्या होगा? फिरका होगा। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि फिरके बनाओ, कहा कि ये हो जाएगा, तुमने बचना है। जो कुरान में आया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। वो जी एक फिरका जन्नत में जाएगा, और एक फिरका नहीं कहा गया, तौइफा मंसूरा कहा गया, एक ग्रुप। नबी अलैहिस्सलाम फिरका तो नहीं थे, वो तो असल थे, उससे टूट के जो अलग हुए वो फिरक हुए। फिरक अरबी में कहते हैं पत्ते को टूट के अलग होने को। पत्ता टूट के दरख्त को तो नहीं कह सकता कि एक फिरका तू, एक फिरका मैं। हाँ, तो फिरके तो सारे जहन्नमी हैं, वो एक ग्रोह है। और मैं बार बार ये बताऊं, हमें फिरका परस्ती का जो ताना दिया जाता है ना, ये देवबंदी फिरका है। देवबंदी फिरका नहीं है। अबे साले, देवबंदियों के अलावा जो है वो फिरके हैं। मार साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। ये कैसे है? मैं आपको बता सकता हूं, फला कहता है हम फिरका नहीं है, लेकिन आप उनकी मस्जिद, पहली मस्जिद हिंदुस्तान में कब उस फिरके की बनी है? जी नया फिरका लॉन्च कर दिया। अच्छा, सरकार मान लिया, नया फिरका लॉन्च किया, जरा इस फिरके की मस्जिद बताएंगे जरा। लेकिन मस्जिद तो कोई नहीं है। देवबंदियों की कोई पहली मस्जिद नहीं दिखा सकता हिंदुस्तान में, समझ रहे हो? बाकी जितने फिरके हैं ना, उनकी पहली मस्जिदें हम आपको दिखा सकते। सब के सब नूरा कुश्ती करते रहे, विचो इको कुछ संसार है। फला फिरके जो कहता है कि हम कुरान और सुन्नत को मानते हैं, हमारा कोई फिरका नहीं है। पाकिस्तान जब बना तो उनकी दो मस्जिदें थी टोटल। ओ, आज वो फखर है कि हमारी इतनी सारी मस्जिदें हो गई। अरे भाई, जब पाकिस्तान बना है तो इस्लाम तो पाकिस्तान में मोहम्मद बिन कासिम के दौर में आया। मस्जिद आपकी कब बन रही है? अब बन रही है आपकी बहुत सारी मस्जिदें। जी नया फिरका लॉन्च कर दिया। अच्छा, सरकार मान लिया, नया फिरका लॉन्च किया, जरा इस फिरके की मस्जिद बताएंगे जरा। लेकिन मस्जिद तो कोई नहीं है। अच्छा, कोई मदरसा? नहीं जी, मदरसा भी कोई नहीं है जी। कोई चंदा बुक? नहीं जी, चंदा बुक भी कोई नहीं। कोई पीरी मुरीदी का सिस्टम? नहीं, वो भी कोई नहीं है। तो यार यही कुछ ही होता है ना यार, किसी फिरके को लॉन्च करने के लिए। अच्छा, तो टेक्स्ट बुक जिसमें ये बताया गया हो कि बाकी सारे फिरके जहन्नम में जाएंगे और ये जन्नत में जाएगा? नहीं नहीं, वो तो कहते हैं सारे ही जन्नत में जाएंगे अपने अपने अजाबात को भुगत के। अच्छा, उसने कोई फतवा दिया हो कि फलां के पीछे नमाज होती है, फलां के पीछे नहीं? नहीं नहीं, वो तो ये कहते हैं कि सारों के पीछे हो जाती है। तो मामू पार्टी, हाँ, इससे बेहतर कोई अदबी तरीका ही नहीं है तुम्हें मुखातिब करने का। इतनी बातें तावीलात वही लोग कर सकते हैं कि जिनकी निस्बत उन लोगों के साथ हो। तो मामू पार्टी, जब कोई भी नोटोरियस चीज मौजूद नहीं उस बंदे में, फिर जानबूझ के उसे उसी कैटेगरी में फॉल करवा रहे हो जिस गंद के अंदर तुम्हारे बड़े रहे हैं, तो शेम ऑन यू। तो कुरान में तो लिखा है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। तो मुझे बताएं, जब कुरान कह रहा है फिरके नहीं बनाने, तो उम्मत इजमा कैसे कर सकती थी? उम्मत ने कोई इजमा नहीं किया हुआ फिरके बनाने के ऊपर। उल्टा जितने फिरके हैं वो कहते हैं हम फिरका है ही नहीं है, हम तो असल है। या के मतलब वाबी हमारे साथ लड़ रहे होते हैं कि आप अहले हदीस को फिरका क्यों कहते हैं? अहले हदीस तो फिरका नहीं है। कई बरेलवी लाइव स्ट्रीम में आए, वो कहते हैं इंजीनियर साहब बरेलवियों को फिरका कहते हैं, हम तो फिरका ही नहीं है। तो इजमा तो मेरी बात पे हुआ है कि फिरकों को सारे गलत समझते हैं। आप जो बंदियों के ना कि आप एक फिरका है, ये इसी तरीके से है जैसे आपने उनको मां बहन की गाली निकाल दी है। कोई फिरका अपने आपको फिरका मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो इजमा इस बात के ऊपर है कि फिरके नहीं होने चाहिए। हाँ, आपको किसने कह दिया फिरका बनाने के ऊपर इजमा है? वो तो फिरका मानते ही नहीं अपने आपको, वो कहते हैं हम फिरका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें आप फिरका ना के फिरके बाकी हैं, हम तो वो एक ग्रोह है जो चल रहा है नबी इस्लाम के जमाने से। कोई फिरका नहीं अपने आप को मानता। तो ये आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं।
پتہ نہیں کس طرف چل پڑے. جہاں تک رہا حدیث میں, تو حدیث میں تو یہ خرابی کی خبر آئی تھی, جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایسی عورتیں آئیں گی جو گویا کہ ننگی نظر آئیں گی, یا تو لباس ان کا باریک ہوگا یا تنگ چست لباس ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنانا شروع کرتے ہیں؟ نہیں, یہ نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ ایسا ہو جائے گا. حکم یہ ہے کہ حجاب کروانا ہے, وہاں پہ بھی حکم یہی ہے کہ فرقے نہیں بنانے. یہ آپ نے خبر دی تھی کہ فرقے بن جائیں گے, یعنی تم نے فرقوں میں نہیں بٹنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ آپ اپنی وکیبری درست کریں, کوئی اجماع نہیں ہوا. اور یہ بھائی دو تین دفعہ آ کے یہ سوال کر چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں نے ان کا سوال انٹرٹین کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, اور ان کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ بریلوی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. آپ کن خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں؟ دیوبندی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے, اہل حدیث اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے, شیعہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. اگر یہ فرقہ اپنے آپ کو مان لیں تو اس کا مطلب ہے خود ہی انہوں نے اپنے آپ کو جنمی ڈکلیئر کر دیا. وہ کبھی بھی اپنے آپ کو فرقہ نہیں مانتے. مفتی حنیف قریشی صاحب کا 2008-09 میں جب مناظرہ ہوا نا طالب الرحمان شاہ صاحب کے ساتھ, جو اہل حدیث عالم تھے, تو اس مناظرے کی ویڈیو رکھی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو اہل حدیث امام بخاری اور امام مسلم ہیں, آج ہم وہ اہل حدیث ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی. اور کہہ رہے ہیں تم لوگ اہل حدیث نہیں ہو, تم وابی ہو. لیکن بریلویوں کی مسجد میں کبھی آپ کو اہل حدیث لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن مناظرے میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ والے اہل حدیث ہم ہیں, امام بخاری امام مسلم والے. تو اس کا مطلب ہے وہ بریلوی کو ایز اے فرقہ بھی نہیں مانتے. وہ کہیں گے ہم نے صرف نسبتیں رکھی ہوئی ہیں, جس طرح کوئی اپنے آپ کو انڈین کہتا ہے, کوئی پاکستانی کہتا ہے, کوئی بنگلہ دیشی کہتا ہے. توبہ توبہ توبہ, یہ آپ کو کس نے کہا تھا فرقہ واریت کے اوپر اجماع ہو گیا؟ اجماع اس بات کے اوپر ہوا ہے کہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں ماننا. یعنی انجینئر صاحب جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر اجماع ہوا ہے کہ اپنے آپ کو فرقہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. کل بھی ایک کوئی اہل حدیث بھائی آئے ہوئے تھے, میں اسٹریم میں دیکھ رہا تھا, تو جب انہوں نے پوچھا ان سے کہ آپ کس ابھی تک فرقے میں, انہوں نے کہا نہیں میں اہل حدیث ہوں, لیکن اہل حدیث تو فرقہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ فرقہ نہ ہونے کے اوپر اجماع ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا؟ دیکھ لیں, صرف مسلم ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, باقی سب کہہ رہے ہیں بریلوی, اہل سنت وال جماعت, انفی قادری, چشتی, دیوبندی, وابی, اہل حدیث, پھر اپنے آپ کو اینڈ پہ جا کے مسلمان کہتے ہیں. ہم نے ساری دمیں ہٹا کے ڈائریکٹ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, الحمدللہ. تو ہمارا پھل ہماری زندگی میں, آپ دنیا میں لاکھوں اسٹوڈینٹس میرے موجود ہیں, چیک کر لیں, اور ان کا پھل یہ چیک کر لیں کہ ذرا بریلویوں سے کہیں کہ جرت کریں فتویٰ دیں کہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز درست ہے, اور دیوبندیوں سے کہ جرت کریں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز درست ہے, یہ کبھی بھی نہیں دیں گے. Thank you.